हाय, दिस इज अर्षित एंड वेलकम टू 80 क्लासेस। आज मैं आपको बताऊंगा स्टेप इंडेक्स एंड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर का बीच का डिफरेंस। पहले आप डायग्राम देख लो तो आपको समझ आएगा, ये एक ऑप्टिकल फाइबर है, ये एक ऑप्टिकल फाइबर है। आप देख रहे हो कि इसमें सिंगल मोड के लिए बेसिकली काम आता है, और ये मल्टी मोड के लिए ही काम आता है। इसमें मल्टी मोड भी होता है। अब इसके पॉइंट्स क्या है, स्टेप चेंजेस इन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एट द कोर क्लैडिंग इंटरफ्रेंस। इधर देखो, स्टेप चेंज होता है एट द कोर क्लैड इंटरफ्रेंस, ये स्टेप चेंज हो रहा है, राइट? दिख रहा है आपको ये। और इसमें क्या है, कंटिन्यूस चेंज इन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, इसमें कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। सिंगल मोड एंड मल्टी मोड प्रोपोगेशन एग्जिस्ट, ओनली मल्टी मोड फाइबर प्रोपोगेशन एग्जिस्ट। मोर मोडल डिस्पर्शन, लेस मोडल डिस्पर्शन, लेस बैंडविथ, मोर बैंडविथ। अभी ये क्या होता है, ये बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए काम आता है, ये ना ये बड़े बड़े डिस्टेंसेस के लिए काम आता है, लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए। अब इसमें क्या आएगा, जो एटेन्युएशन होएगा ना वो ज्यादा होगा, जो लॉसेज होंगे वो ज्यादा होंगे, इसमें लॉसेज कम होंगे। ये बहुत ईजी होता है मैन्युफैक्चर करने के लिए, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। इसमें ट्रांसमिशन रेट होता है बहुत स्लो होता है, इसमें ट्रांसमिशन रेट है ना बहुत हाई होता है। सो ये इसका डिफरेंस है। और एक और डिफरेंस है इसमें, जो कि सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर का, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताना है, तो आप देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।